दोस्तों, स्विमिंग करना आप में से किस किस को पसंद है? स्विमिंग करना आप में से बहुतों की फेवरेट हॉबी भी होगी। सच में स्विमिंग का अनुभव बहुत ही रोमांचक और बेहतरीन होता है। तो आज हम लेके आए हैं दुनिया के 7 सबसे बड़े पूल्स की लिस्ट, और ये पूल आकार में इतने बड़े हैं कि आप इनमें स्विम करने की इच्छा व्यक्त करोगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के काउंटडाउन को। नंबर 7 पे है अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर का हैंसन डैम सेंटर का स्विमिंग पूल। यह पूल अमेरिका का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। हैंसन पूल का क्षेत्रफल करीब 1.5 एकड़ यानी 6,100 वर्ग मीटर इतना है। यह पूल सामान्य नागरिकों के लिए खुला है और इसे लॉस एंजेलिस का सबसे बेहतरीन स्विमिंग पूल मानते हैं। इस पूल के साथ साथ हैंसन रिक्रिएशन सेंटर में एक झील भी है जिसका क्षेत्रफल करीब 9 एकड़ है। नंबर 6 पर है हेमन आइलैंड रिसॉर्ट का स्विमिंग पूल। हेमन आइलैंड रिसॉर्ट ये ऑस्ट्रेलिया के हेमन आइलैंड पर स्थित है और यहाँ पे दुनिया का एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया है। इस पूल का क्षेत्रफल 1.8 एकड़ यानी 7,284 वर्ग मीटर इतना है और इस रिसॉर्ट की ज़्यादातर रूम से इस पूल का नज़ारा देखने मिलता है। 2017 में आए हुए डेबी साइक्लोन की वजह से इस रिसॉर्ट का बहुत नुकसान हो गया था। नए रिनोवेशन के साथ पिछले साल ये रिसॉर्ट फिर से शुरू किया गया। 5वें नंबर पर है फ्रांस का पिसिन अल्फ्रेड नकाचे पूल। फ्रेंच ओलंपिक स्विमर अल्फ्रेड नकाचे के नाम से प्रेरित होकर इस पूल को उनका नाम दिया गया है। यह सिर्फ फ्रांस का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पूल है। इस पूल का क्षेत्रफल 1.85 एकड़ यानी करीब 7,500 वर्ग मीटर इतना है। यह पूल सामान्य नागरिकों के लिए बहुत ही कम टिकट दरों पर खुला है। हमारा अगला पूल है ड्रीमवर्ल्ड फोन लगून। यह पूल पाकिस्तान के कराची शहर के ड्रीमवर्ल्ड रिसॉर्ट में बनाया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी का पूल है। इस पूल का क्षेत्रफल 2.2 एकड़ यानी 8,903 वर्ग मीटर इतना है और इस पूल को पूरा भरने के लिए 8.14 मिलियन लीटर यानी करीब 81 लाख लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और इस पूल के साथ साथ इस रिसॉर्ट में एक मैनमेड बीच भी बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम जो आखिर के 3 सबसे बड़े पूल्स देखने वाले हैं उन्हें स्पेशली लगून कहते हैं क्योंकि ये पूल्स खारे पानी से बनाए गए हैं। हमारे 3रे नंबर पे है महासमुद्र। महासमुद्र ये थाईलैंड के हुआहिन शहर का लग्जरी विला कॉम्प्लेक्स और प्राइवेट कंट्री क्लब है और यह महासमुद्र का पूल हमारे एशिया खंड का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है जिसका क्षेत्रफल 17.8 एकड़ है और इस पूल को क्रिस्टल लगून प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया है। यह कंपनी इस तरह के सॉल्ट वाटर लगून पूल्स बनाने में माहिर है। महासमुद्र का कॉन्सेप्ट फेमस जैपनीज आर्किटेक्ट केंगो कुमा ने डिज़ाइन किया था और महासमुद्र के हर एक विला की कीमत $1.2 मिलियन से लेके $2.5 मिलियन तक है। दूसरे नंबर पर है चिली का सैन अल्फोंसो डेलमार। पिछले पूल की तरह ये पूल भी क्रिस्टल लगून कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस पूल का क्षेत्रफल 19 एकड़ से भी ज़्यादा है और अगर हम सिर्फ इस पूल की लंबाई की बात करें तो ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। करीब 250 मिलियन लीटर पानी लगता है इस पूल को पूरा भरने में। यह पूल पैसिफिक ओशन के बगल में ही बनाया गया है। अच्छे से फिल्टर और ट्रीटमेंट करके पैसिफिक ओशन का ही पानी इस पूल में छोड़ा जाता है। जब यह पूल बनाया गया था तभी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिस्टलाइन लगून के लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, लेकिन अभी ये दूसरे स्थान पर है। तो चलो देखते हैं पहले नंबर पर कौन सा पूल है। पहले नंबर पर है क्रिस्टल लगून एट सिटीस्टार्स शर्म एल शेख रिसॉर्ट। यह पूल 2012 में क्रिस्टल लगून कंपनी द्वारा इजिप्ट के सिटीस्टार्स शर्म एल शेख रिसॉर्ट में बनाया गया है। और सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि बीच रेगिस्तान में यह खारे पानी का पूल बनाया गया है। तो आप सोचोगे इस पूल के लिए इतना पानी आता कहाँ से है? रेगिस्तान में मौजूद खारे पानी के कुओं से यह पानी आता है। इस पूल का क्षेत्रफल करीब 23.83 एकड़ इतना है और इसके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है दुनिया के सबसे बड़े मैनमेड क्रिस्टलाइन लगून पूल के तौर पर। इस पूल पे जाके आप रेगिस्तान के बीचों बीच समंदर का अनुभव ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो?
कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी बेहतरीन टॉपिक्स पे हमारी वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।